अज का जोड़ा जथा कत्ती सिंह का वो जहेदार जगतार सिंह हवारा के निजी पिंड तो है। अज के जथे पिंड सूझमान सिंह वो शामिल है। अज के जथे शहीद भाई बलदेव सिंह बब्बर जिन्हों ने जहेदार का साथ दे के शहीदी प्राप्त की है। कई समया तो जहेदार न आप अगे खड़ के उन्होंने पासे कढ़िया पर अज उस उन्होंने भरा था भाई जरनैल सिंह भाई गुरदीप सिंह परगट सिंह भाई बहादुर सिंह बहुत सारे पिंड तो सिंह पहुँचे हैं। असी उन्होंने जी आया कह एक सब तो वड्डी माण वाली गल है कि वह पिंड वासी अज भी जहेदार नाल डट के खड़े हैं। सो सरकारां नूं देख लेना चाहिए भी अज हर एक वर्ग उन्हां दे नाल खड़िया सरकारां नूं इंसाफ देना चाहिए। मंत्री पंजाब तां पिछले सरकारां नूं कहिंदे आ रहे ने भी हुण तुसीं दस्तखत मुहिम चला रहे हो हुण तां अंगूठे दे पैर दे अंगूठे दे दस्तखत कर लो जां ला लो तुहाडा कोई फर्क नहीं पैणा तुसीं किवें देखदे इस चीज़ नूं? पर आप की कर रहे आप वो जिहड़ा अलामा उन्हां नूं दे रहा भी जदों उन्हां दी सरकार सी उदों उन्हां ने वह जो करना सी नहीं कीता परंतु अज वो दी सरकार है वह की कर रहा। अज भगवंत मान की सरकार बने नूं एक साल तो उत्ते हो गया पंजाब च परंतु उन्होंने बंदी सिंघा की रिहाई तो की करवानी सी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअबदियों का इंसाफ नहीं दे सके अब तक। ये भगवंत मान नूं भी अपनी पीढ़ी थले सोटा फेर लेना चाहिए ना तो कोई केस है मरण वर्त तो उन्होंने अपना त्याग त्या उन्होंने जबरी उत्थे हस्पताल च रखा गया 27 जनवरी नूं असी बहुत वड्डा एक्शन करके उस हॉस्पिटल नूं घेर के DMC नूं घेर के उत्थे धरना दिता जाएगा। पंजाबी लोक चैनल के नाल तुसीं जुड़े मैं तुहाडे नाल जगसीत सिंह। अज 18वां जत्था जिसके 31 मैंबर ने मुख्यमंत्री के घर वल जाण दी कोशिश कर रहे हैं तो तस्वीर साझी करदे आं तो जो खास तौर पर हवारा पिंड तो जिहड़े ने कृपाल सिंह जी अगवाई कर रहे हैं बापू गुरचरण सिंह जी भी ने गलबात भी करांगे कि किवें देखते हैं अज कौन अगवाई कर रहे हैं। बापू जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी फतेह जी। अज कौन अगवाई कर रहे हैं किहड़े पिंड तो आए हैं खास तौर? देखो जिहड़ा 6 जनवरी तो प्रोग्राम लुकिया गया सी वी सरकारां दी सुत्ती जमीर नूं जगाउण वास्ते 31 सिंघां दा जथा इत्थे रवाना हुंदा बख-बख जथेबंदियां वालों बख-बख वर्गां वालों जा रहा। सो अज का जिहड़ा जथा 31 सिंघां दा वो जहेदार जगतार सिंह हवारा दे निजी पिंड तो है। देखो एक बहुत वड्डी माण वाली गल है कि पिंड उन्हां नाल डट के खड़िया भावें वह पिंड ने तशद्दुद अपने पिंडे ते हंडाया क्योंकि जदों भी जहेदार ते कोई हुंदा सी सरकार वालों तशद्दुद वह पिंड वासियां ते भी हुंदा सी। अज दे जथे विच पिंड दे सूझमान सिंह वह शामिल है। अज दे जथे विच शहीद भाई बलदेव सिंह बब्बर जिन्हां ने जहेदार दा साथ दे के शहीदी प्राप्त की है। कई समया तो जहेदार नूं आप अगे खड़ के उन्होंने पासे कढ़िया पर अज उस उन्होंने भरा था भाई जरनैल सिंह भाई गुरदीप सिंह परगट सिंह भाई बहादुर सिंह बहुत सारे पिंड तो सिंह पहुँचे हैं। असी उन्होंने जी आया कह एक सब तो वड्डी माण वाली गल है कि वह पिंड वासी अज भी जहेदार नाल डट के खड़े हैं भावें उन्होंने वो तशद्दुद अपने पिंडे ते भी हंडाया। सो सरकारां नूं देख लेना चाहिए भी अज हर एक वर्ग उन्हां दे नाल खड़िया सरकारां नूं इंसाफ देना चाहिए जिन्हां मुद्दों नूं लै के मोर्चा लग्या सरकारां नूं बिना देरी ते इंसाफ दे के सानूं ओह करना चाहिए। हवारा पिंड तो खास तौर पर जिहड़े समर्थक पहुंचे ने पहलां भी पहुंचे सीगे तो इस दे विच किवें देखदे हो? मुख्यमंत्री पंजाब तो पिछले सरकारां नूं कहिंदे आ रहे ने भी हुण तुसीं दस्तखत मुहिम चला रहे हो हुण तां अंगूठे दे पैर दे अंगूठे दे दस्तखत कर लो जां ला लो तुहाडा कोई फर्क नहीं पैणा तुसीं किवें देखदे हो इस चीज़ नूं? देखो जिहड़ा वो दूजे उस पार्टियां नूं अड़ामे दे रहा भी प्रकाश सिंह बादल ने एक सैन करे उसके बंदी सिंह की रिहाई वास्ते ठीक है वो गल है पर आप की कर रहे आप वो जिहड़ा अलामा उन्होंने दे रहा भी जदों उन्हां दी सरकार सी उदों उन्होंने वो जो करना सी नहीं किया परंतु अज वो सरकार है वो की कर रहा। सरकार बन तो उन्हें भी पहला भाई गुरबख्श सिंह खालसा जिहड़े शहीद होए हैं इन्हां बंदी सिंह की रिहाई वास्ते उन्हां दे नाल लखनौर साहब विखे
वादा किया कि मैं बंदी सिंघां की रिहाई करावांगा जिस दिन साडी कोई सरकार बनती है पंजाब। अज भगवंत मान की सरकार बने नूं एक साल तो उत्ते हो गया पंजाब, परंतु उन्होंने बंदी सिंघां की रिहाई तो की करवानी सी। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअबदियां का इंसाफ नहीं दे सके अब तक। जिन्हां दोषियों ने बहबल कलां गोल कांड कराया, दो सिंघां नूं शहीद कराया, उन्हां दा इंसाफ नहीं दे सके। ये भगवंत मान नूं भी अपनी पीढ़ी थले सोटा फेर लेना चाहिए। अखीरला सवाल करांगा, तुसी खास तौर पर कल जत्था भी गया सी इत्थे तां बापू सूरत सिंह जी होरां कोल, तां उत्थे भी एक वड्डा प्रोग्राम उलीकण की कोशिश है, इत्थे की वड्डा प्रोग्राम उलीकिया जा सकदा उत्थे की कुछ कु दिनों तक फर्क हैगा, कुछ प्रोग्राम उलीकण का कोई ऐलान कर सकते हो वड्डा? देखो जिहड़ी है पंजाब सरकार की जिहड़ी नीति है ना, बहुत सिख विरोधी है, क्योंकि बापू सूरत सिंह जिन्हां ने जहेदार जगतार सिंह हवारा के कहते अपना मरण वरत 6 जनवरी छड्डिया, परंतु उन्होंने सरकार रिहा नहीं कर सकी। सरकार को डर यही है भी जे बापू सूरत सिंह कौमी इंसाफ मोर्चे पहुँचते हैं तो मोर्चे को बहुत बड़ा बल मिलेगा। सो कल प्रशासन नाल सारा दिन गल हुंदी रही, परंतु प्रशासन ने 3 दिन का समा मंगया। जे फिर भी प्रशासन उन्होंने रिलीज़ नहीं करता, उत्थे तो रिहा नहीं करता, क्योंकि उन्होंने खिलाफ़ ना तो कोई केस है, मरण वरत उन्होंने अपना त्याग दिया, उन्होंने जबरी उत्थे हस्पताल रखा गया। 27 जनवरी असी बहुत बड़ा एक्शन करके उस हॉस्पिटल घेर के DMC घेर के उत्थे धरना दिता जाएगा। बहुत शुक्रिया बापू गुरचरण सिंह साढ़े नाल सी। तो वड्डा एक प्रोटेस्ट जिहड़ा कीता जाएगा, वड्डी कॉल कह सकते हैं, एक वड्डी कॉल दिती जाएगी। अगर जे कुछ समा जिहड़ा प्रशासन ने मंगिया उस दे उत्ते वर्क नहीं करदी, बापू गुरचरण सिंह का जिहड़ा एक वड्डा ऐलान है तुहाडे नाल सांझा कीता है कि बापू गुरचरण सिंह ने कह दिता है जे प्रशासन नहीं कार्रवाई करता तो एक हफ्ते तक मतलब वड्डा जिहड़ा ऐलान किया जाएगा। पर कुछ क दिनों तक तस्वीर रहेगी, जो कि DMC के बाहर लगातार हुण गए सी, जत्था गया सी उत्थे प्रोटेस्ट भी किया। तो उस तो बाद अगर जे गल की जाए तो अज फिर जिहड़ा 18वां जत्था मुख्यमंत्री दे घर वालों चलिया, तो बापू जी गुरचरण सिंह साढ़े नाल गलबात कर रहे थे। तो हर रोज़ की तरह अज फिर जिहड़ा जत्था मुख्यमंत्री दे घर वालों चलिया, तो इन्हां दा साफ तौर पर एक ही मकसद हुंदा है कि मुख्यमंत्री नूं मिलिया जाए, मुलाकात की जाए। तो तुहाडे नाल तस्वीर है जिहड़ी सांझी कर रहे हैं, किस कदर जिहड़ी है ये जत्था कत्ती सिंह ने जिस दे विच अगे वाल कूच कर रहे हैं, खास तौर पर हवारा पिंड तो जिहड़े ने सिंह भी इस दे विच आए ने, तो उन्होंने नाल गल भी करांगे आखिर दे विच जिहड़ा अगे वाल जाणे। भाई साहब जी की नाम तुहाडा जी? मेरा नाम दर्शन सिंह है जी। ओके, कित्थों आए हो तुसीं? मैं फतेहगढ़ साहब तो हाँ, मैं तो इत्थे पक्का ही बैठा हाँ, इत्थे टूटी के हाथ धोण दा थोड़े चरण धोण वास्ते बैठा हाँ। जो मत्था टेकन जाने संगतां दे चरण धोई दे, रब वर्गियां चरण संगतां आउणियां प्यारियां सारियां दे चरण धोना। तो अज इस चीज़ का फर्क पेगा, कोई असर पेगा? असर क्यों नहीं पेगा, जिते इन संगतां दियां दुआवां ते संगतां दियां अरदासां गुरु चरणां दे विच बेनतियां रंग तां लियाउणगियां। देरी हो रही है, मतलब मान साहब नूं सोचना चाहिए, फटाफट फैसला सुनाना चाहिए, अक्सर सुनाना तो है ही है, फैसला क्यों देर करते हैं? मान साहब नूं यही बेनती है भगवंत मान जी भी तुसीं देर ना लाओ, संगतां थोड़े वल सारियां अखां लाई बैठियां, तुसीं फटाफट फैसला सुनाओ ते बंदी सिंघां नूं रिहा कराओ। जी जी, साफ तौर पर तस्वीरें तुहाडे नाल सांझी कीती है कि किस कदर अगे जा रहे हैं। तो सिंघां दे नाल ही गल करांगे जिहड़े जत्थे दे विच ने, अज फिर अगे वल कूच की जा रही है, तो तुहाडे नाल तस्वीर सांझी कर रहे हैं कि किस कदर अगे वल कूच कर रहे हैं। ये जत्था लगातार जिवें अगे जांदा अज भी उस तरह जत्था अगे जा रहा। हवारा पिंड तो आए तुसीं? फरीदकोट तो, जिला फरीदकोट तो आए। की नाम है? शेर सिंह जी। कौन कौन आए हो, किन्ने जत्थे अज फिर? पूरी बस भर के गए जी, पूरी अपनी बंदी सिंह रिहाई लई। हाँ, तो लगता जिवें हवाला दिता जा रहा है कि पिंड भी पूरी तरह हमायत कर रहे हैं जगतार सिंह हवारा जी की, कि उन्होंने छड़ना चाहिए। तो तुम किमें देखते हो इतने साफ तौर पर हिमायत करने पहुंचे हो? तो कई लोग तो कहते हैं, कई अजिहा कहें कि पंजाब लई खतरा ने? नहीं नहीं, जब जेड़े खतरे वाले हैं जी वो तो अंदर बैठे ने,
जेड़े पंजाब साहब बंदा है वह अंदर लगे हुए हैं, जिन्हों को खतरा है वह बाहर ने, जिन्हों को खतरा है जी जिन्हें मर्जी है जी जिन्हें साधा टोले दुए हुए। हाँ जी ये इंसाफ पसंद नहीं जी, ये कोई खतरा नहीं है जी, खतरा कोई होया नहीं, ये खतरा टाले है ना दे खतरे। साफ तौर पर क्या जा रहा तस्वीर तो साझी की है किस कदर अगे जत्था जा रहा ता बापू गुरचरण सिंह नाल भी मुलाकात की गलबात की उन्होंने साफ तौर पर एक वड्डी जिहड़ी कॉल दा कह के कॉल दी जाएगी अगर जे प्रशासन बापू सूरत सिंह जी होरां नूं नहीं भेजता उन्होंने क्यों नज़रबंद किया हो उन्हां दा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है कोई उन्होंने उत्ते अपराधिक ना अजिहा कोई परचा है क्यों अजिहा किया हो कुछ दिन तक जिहड़ा वड्डी कॉल देती जा सकती है अगर जे प्रशासन की गलबात दे विच कुछ निकलता नहीं तो अज जिहड़ा जत्था जा रहा जो 18वां जत्था जिस दे विच 31 सिंह शामिल ने तो अगे वाल कूच कर रहे हैं लगातार तस्वीर तुहानूं सांझे कीते ने कौमी इंसाफ मोर्चे तो अज की तस्वीर भी सांझी की है किस कदर अगे वाल जिहड़ा जत्था जा रहा तो सतनाम श्री वाहिगुरू का जप करते हुए तो शांतमय तरीके अगे वाल कूच कर रहे हैं।